200 क्रिकेट का ओरिजिन भले ही इंग्लैंड में हुआ हो, लेकिन आज के टाइम में क्रिकेट फैंस पूरी दुनिया में है। आपने भी इंटरनेट पर क्रिकेट, क्रिकेट रूल्स और क्रिकेट फैक्ट्स के ऊपर कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन शायद ही आपने क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ा कोई वीडियो इंटरनेट पर देखा होगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेडियम के बारे में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्रिकेट स्टेडियम के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने से पहले आपको स्टेडियम के बारे में कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि क्रिकेट स्टेडियम का कोई डेफिनेट साइज नहीं होता है, लेकिन अगर स्टेडियम के एवरेज साइज की बात करें तो ये 450 से 500 फीट के बीच होता है। अब जब हम क्रिकेट स्टेडियम के साइज की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात का सरदार पटेल स्टेडियम है, जिसे हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे छोटा स्टेडियम भी हमारे देश भारत में ही है। ये दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से स्टेडियम की बाउंड्री और स्क्वायर बाउंड्री के बीच में कम से कम 137 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिच की लंबाई कितनी होती है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और हम आपको बताते हैं क्रिकेट स्टेडियम के बारे में अननोन फैक्ट्स नंबर 10। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्रिकेट स्टेडियम गोल ही क्यों होता है? फ्रेंड्स, क्रिकेट स्टेडियम के साइज और शेप को लेकर क्रिकेट में कोई रूल नहीं है, फिर भी मोस्टली स्टेडियम गोल ही बनाए जाते हैं। और इसकी वजह है कि क्रिकेट में ये रूल जरूर है कि स्टेडियम चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसका डिस्टेंस चारों ओर से बराबर होना चाहिए। और जब आप किसी ऐसे शेप की कल्पना करेंगे जिसमें पिच से चारों तरफ का डिस्टेंस सेम हो, तो आपके मन में पहला थॉट सर्कुलर शेप ही आएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि स्टेडियम गोल ही होते हैं। न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों में स्क्वायर शेप के स्टेडियम भी होते हैं, क्योंकि स्क्वायर शेप में भी चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पॉसिबल है। नंबर 9। दोस्तों, आपने मोस्टली देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो स्टेडियम होते हैं, वहाँ पर किनारे की तरफ खाली मैदान जैसी जगह होती है, जहाँ पर बैठकर या लेटकर लोग मैच का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इंडिया के स्टेडियम्स में इस तरह की जगह नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा किसी रूल की वजह से नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा लोग मैचेस देखने जाते हैं, और इसीलिए यहाँ के स्टेडियम्स में ज्यादा सीट्स की जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों, स्टेडियम्स के किनारे इतनी जगह बचती ही नहीं है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में कम लोग मैच देखने जाते हैं तो वहाँ पर कम सीट्स की जरूरत होती है, इसलिए किनारे बची जगह पर लोग बैठकर या लेटकर मैच का लुत्फ उठाते हैं। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड के ऊपर हरी घास ही क्यों होती है? अब आप सोचेंगे यार, घास तो मतलब हरी ही होती है, पर एक्चुअली दोस्तों, अगर आप क्रिकेट को कभी फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि ओरिजिनली क्रिकेट ग्राउंड प्लेन ही होता है। मैच से एक दिन पहले इन पर ग्रीन कलर की ग्रास शीट्स बिछाई जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते हैं क्रिकेटर्स फील्डिंग करते समय कितनी खतरनाक डाइव मारते हैं, और इस दौरान उन्हें चोट न लगे, इसलिए प्लेन ग्राउंड पर ये शीट्स बिछा दी जाती है। नंबर 7। अब बात करते हैं दोस्तों उस ब्लैक कलर के बोर्ड की, जो कि बैट्समैन की क्रिकेट पिच के सामने और पीछे की तरफ लगा होता है। असल में इस बोर्ड को साइड स्क्रीन कहा जाता है। देखिए, इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि बैट्समैन और बॉलर को बॉल क्लियरली दिखाई दे सके। ये बात तो आप जानते हैं कि अगर कोई व्हाइट चीज ब्लैक स्क्रीन के सामने होगी तो ज्यादा क्लियरली दिखाई देगी। इसलिए जब बॉलर बॉल डालता है तो ब्लैक स्क्रीन की वजह से बैट्समैन को बॉल साफ साफ दिखाई पड़ती है, और ऐसा ही बॉलर के साथ भी होता है। नंबर 6। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम में लगी लाइट्स की। आपको बता दें कि आमतौर पर स्टेडियम में चार लाइट्स लगी होती हैं। इन लाइट्स को फ्लड लाइट्स कहा जाता है, और एक फ्लड लाइट 50,000 से 80,000 वॉट तक की रोशनी प्रोड्यूस करती है। एक फ्लड लाइट की कीमत लगभग 50 लाख रुपए होती है। इसके अलावा स्टेडियम के किनारे पर लगी LED स्क्रीन, जिन पर एडवर्टीजमेंट्स प्रदर्शित हुआ करते हैं, ये स्क्रीन स्टेडियम की बाउंड्री लाइन पर लगी होती है। अगर इनकी कीमत की बात करें तो पूरे स्टेडियम में लगने वाली LED लाइट्स की एवरेज कीमत 15 लाख से 18 लाख के बीच होती है। और जब हम स्क्रीन्स की ही बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि स्टेडियम में जो स्कोरबोर्ड वाली स्क्रीन लगी रहती है, जिसमें स्कोर दिखाया जाता है, उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती है। आगे और बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर 5। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में कितना पैसा खर्च होता होगा? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब स्टेडियम का साइज फिक्स नहीं है तो उसे बनाने की कॉस्ट के बारे में भी हम कोई फिक्स एस्टिमेट नहीं दे सकते हैं। हाँ, ऑन एवरेज एक क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में 250 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। बाकी इसकी कॉस्ट इसके साइज पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर छोटा स्टेडियम होगा तो उसमें सीट्स भी कम होंगी, और इसी तरह अन्य कॉस्ट भी साइज के हिसाब से कम या ज्यादा होगी। नंबर 4। दोस्तों, जो हमने क्रिकेट स्टेडियम को बनाने
और उसे बनाने में लगने वाले एक्सपेंसेस की बात की है तो भाई आपके मन में ये थॉट भी आया ही होगा कि इन बड़े बड़े और महंगे महंगे स्टेडियम्स को बनवाता कौन होगा। हो सकता है कि आपके मन में ये थॉट आ रहा हो कि जब स्टेडियम्स इतने बड़े हैं और इन्हें बनाने का खर्चा भी इतना ज्यादा होता है तो जरूर इसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ही बनवाते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम्स को उस देश या स्टेट के क्रिकेट बोर्ड ओन करते हैं। जैसे कि भारत में भी जो बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं उन सभी को BCCI ओन करती है। हालांकि कुछ प्राइवेट स्टेडियम्स भी होते हैं जिन्हें एक ही आदमी ओन करता है। नंबर 3, दोस्तों आपने भी क्रिकेट देखते टाइम नोटिस किया होगा कि अक्सर कमेंट्री करते समय कमेंटेटर बॉलर की बॉल फेंकने की स्पीड बताते हैं और बहुत बार आपके मन में थॉट आता होगा यार मतलब आखिर बॉल फेंकने की जो स्पीड है वो मेजर कैसे की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक गैजेट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे रडार गन कहते हैं। असल में रडार गन की मदद से आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को पता कर सकते हैं और इसी से बॉल की स्पीड भी मेजर की जाती है। इस रडार गन को बॉलर के राइट हैंड साइड में बाउंड्री के पास रख दिया जाता है और जब बॉलर बॉल फेंकता है तो ये मशीन उस बॉलर की बॉल को फेंकने की स्पीड का पता कर लेती है। नंबर 2, अब हमने आपको बॉल की स्पीड मेजर करने वाली मशीन के बारे में तो भाई बता दिया, लेकिन मैदान में दोस्तों एक और मेजरमेंट होता है। दोस्तों आपने जरूर गौर किया होगा जब भी कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो कमेंटेटर उस छक्के की डिस्टेंस भी बताते हैं कि इसे कैसे मेजर किया जाता है। दोस्तों इसको मेजर करने वाली डिवाइस का नाम है हॉकआई। असल में एक तरह का हाई टेक्नोलॉजी वाला कैमरा होता है जो बॉल के मूव करने की स्पीड और स्टेडियम के रेडियस के हिसाब से ये मेजर कर लेता है कि बैट्समैन ने जो छक्का लगाया है उसका डिस्टेंस कितना है। हालांकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में फॉर्मूले का इस्तेमाल कम होता है। नंबर 1, दोस्तों जब मैच में किसी फैसले पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो अक्सर फैसला थर्ड अंपायर के पास जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि थर्ड अंपायर कहां बैठे होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी तक कभी भी ये रिवील नहीं हुआ है कि थर्ड अंपायर कहां बैठता है, पर ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वो शायद स्कोरबोर्ड स्क्रीन के पास बैठते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि थर्ड अंपायर एडिटिंग टीम के साथ बैठते हैं। आपको बता दें कि एडिटिंग टीम वो टीम होती है जो मैच की वीडियो को आपकी स्क्रीन पर दिखाने के लिए एडिट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम टीवी पर मैच देखते हैं तो उस पर स्कोर, बॉलर, बैट्समैन के नाम जैसी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। एडिटिंग टीम इन्हीं सबको एडिट करती है और थर्ड अंपायर और एडिटिंग टीम के साथ बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि एडिटिंग टीम ही उन्हें एंगल से व्यू दिखाती है जिससे उन्हें सही डिसीजन देने में हेल्प मिलती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि स्टेडियम में भाई कमेंटेटर्स कहाँ बैठते हैं। तो दोस्तों ये थे क्रिकेटिंग स्टेडियम के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इनमें से कौन सी जानकारी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है ये भी आप हमें बताइए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।